नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए कोरोना वायरस से संबंधित मोस्ट वीआई क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जहाँ पे करंट अफेयर्स और ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि आपके जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएँ। और फ्रेंड्स याद रखना, वीडियो के एंड में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और याद रखना, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? क्या रखा है? COVID-19। COVID-19 क्या होता है? COVID-19 फुल फॉर्म क्या होती है? CO से बनता है कोरोना, VI से बनता है वायरस और D से बनता है डिजीज, और 19 से बनता है 2019। जी फ्रेंड्स, जो कोरोना वायरस है 2019 में फैला था। और यहाँ पे देखिए WHO दिया गया है। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय है जेनेवा में। ये आप लोग अच्छे से याद रखना आप लोग, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ पर की गई थी? कहाँ पर की थी? चीन के वुहान शहर में की गई थी नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान। सी हो जाएगा राइट आंसर। ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि वुहान शहर से ही पूरे विश्व में ये बीमारी फैली है, ये महामारी फैली है, याद रखना। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस की वजह से चीन से बाहर किस देश में पहली मौत का मामला सामने आया है? कहां पर आया है? बिल्कुल फ्रेंड्स का फिलीपींस में आया है। सी रहेगा राइट आंसर, फिलीपींस। याद रखना फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ जरूर, ताकि आपके जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। आगे देखिए, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? वर्ल्ड इमरजेंसी किसने घोषित किया था? बिल्कुल WHO ने किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो बी रहेगा राइट आंसर। जी फ्रेंड्स याद रखना आप लोग अच्छे से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? क्या नाम रखा है? कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम रखा है RT-PCR। बी रहेगा राइट आंसर, RT-PCR याद रखना। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार COVID-19 में VI का क्या मतलब है? जल्दी से आप बताएंगे। जी फ्रेंड्स, अभी स्टार्टिंग में ही पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया था, जल्दी से आप बताएंगे क्या वायरस कहा जाता है। वायरस मतलब है VI का, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कोविड कोरोना वायरस डिजीज जो कि 2019 में फैली थी, तो ए रहेगा राइट आंसर। आगे है कि भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा बन गया है? जल्दी से आप बताएंगे फटाफट कौन सा बन गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। देखिए दोस्तों कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेके आते हैं, एक लाइक तो बनता है। उम्मीद है सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। देखिए, भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? हरियाणा बन गया है। ए रहेगा राइट आंसर, हरियाणा। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। जी फ्रेंड्स, राजधानी चंडीगढ़ है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए $12 बिलियन यानी $US देने की घोषणा की है? किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? Washington DC में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ADB ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन $ की मंजूरी दी है? कितने डॉलर की दी है? $4 मिलियन की मंजूरी दी है ADB ने हाल ही में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए। बी हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पे वर्ड आया है ADB। ADB की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, ये आप लोग याद रखना। कब? 1966 में स्थापना हुई फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क
कोविड 19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है, कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? बिल्कुल फ्रेंड्स, $10 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है भारत ने सार्क कोविड 19 इमरजेंसी फंड के लिए। तो फ्रेंड्स ये आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है, आपके एग्जाम के, जी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले क्वेश्चन। और वही एग्जाम में आ जाए सार्क, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है? 2019 फ्रेंड्स ये फैला था, एन से बनता है नोवेल और सीओ से बनता है कोरोना, वी से बनता है वायरस, तो ये नया नाम दिया गया है याद रखना, तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है, कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम फीड लॉन्च किया है, ए रहेगा राइट आंसर, इंस्टाग्राम फीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन की वुहान शहर के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें किस शहर में हुई हैं, किस शहर में हुई है? लोम्बार्डी में हुई हैं, लोम्बार्डी में हुई है, बी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। ये लोम्बार्डी कहाँ है? इटली में है, इसको फ्रेंड्स दूसरा वुहान भी कहा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि वुहान के बाद सबसे ज्यादा मौतें लोम्बार्डी में हुई जो कि इटली में है, याद रखना। आगे देखिए, निम्न से कौन सा सर्च इंजन कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कार्य कर रहा है, कौन सा कर रहा है? गूगल कर रहा है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसके फ्रेंड्स सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन है? सीईओ है सुंदर पिचाई, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में गूगल का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की है, किस नाम से की है? जल्दी से आप बताएंगे फटाफट, किस नाम से की है? कोवा पंजाब के नाम से की है, कोरोना वायरस पंजाब के नाम से, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है, सी रहेगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने किया है? WEF ने किया है, विश्व आर्थिक मंच ने किया है, बी रहेगा राइट आंसर, किसने किया है? विश्व आर्थिक मंच ने किया है, WEF ने किया है, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। तो फ्रेंड्स कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने? WHO के सहयोग से, विश्व आर्थिक मंच ने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंगों को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है, बी रहेगा राइट आंसर। फ्रेंड्स एक बात और याद रखना, अभी अफवाहों का दौर चल रहा है और अफवाहें आ रही हैं कि जो ये वायरस है हवा से फैलता नहीं फ्रेंड्स, ये वायरस मानव से मानव में फैलता है, याद रखना। अगर आप लोग किसी ऐसे मानव के संपर्क में न आए जिस जो कोरोना से संक्रमित है, तो आप लोग बिल्कुल भी कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, तो आप लोग अपने घर पर रहें अभी वर्तमान में, ये आपसे निवेदन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, बी रहेगा राइट आंसर, याद रखना। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा से हुआ है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के मुख्यतः चार प्रकार कौन से हैं, कौन से हैं? 229 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, SKU1 बीटा कोरोना वायरस, और OC43 बीटा कोरोना वायरस, ये फ्रेंड्स चार प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर ई रहेगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर, उपयुक्त सभी याद रखना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है, किसके समान दिखाई पड़ती? क्राउन के समान दिखाई पड़ती है, तो बी रहेगा राइट आंसर, क्राउन याद रखना आप लोग, इसके समान क्राउन के समान दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, किस संगठन के द्वारा वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी,
किस संगठन के द्वारा? WHO के द्वारा। बी रहेगा राइट आंसर। फिर एक बार फिर से आपको बताते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और मुख्यालय है जेनेवा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? किसकी अगुवाई में की जा रही है? SS वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है और बहुत जल्द ये वैक्सीन आने वाली है। तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? किसने किया है? भारत ने किया है। तो बी रहेगा राइट आंसर, भारत, याद रखना। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश में सिख गुरुद्वारे पर हमला हुआ है? हाल ही में किस देश में सिख गुरुद्वारे पर हमला हुआ है? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, और फ्रेंड्स जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।